So good morning, everyone. Hope your examination went better. है कि नहीं, सभी के एग्जाम अच्छे गए होंगे, आशा करता हूँ. किन्हीं को कोई दिक्कत हुई एग्जाम में? थोड़ा हम लोग ये जो हमारी क्लासेस हो रही हैं उनको हम लोग थोड़ा बायलेटरल करने की कोशिश करेंगे, इंस्टेड की जस्ट मोनोलेटरल हो, ये मोनो डायलॉग हो. ठीक है, सो इट मस्ट बी अ डायलॉग बिटवीन अस. क्लियर? ओके, कोई बोल नहीं रहा? यस सर. यस सर. ओके, वेरी गुड. हम लोग आज yes, हम लोग जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सब्जेक्ट जो है इतना इंटरेस्टिंग है, यू कांट फॉरगेट थ्रू आउट योर लाइफ. कैसे? ब्रेक हो रही है, पता नहीं, कुछ इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा. ओके, सभी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है या किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ है? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल. ओके, तो ये जो आज हम लोग सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड थ्रू आउट योर लाइफ यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट दिस सब्जेक्ट, एंड दैट इज द इम्यूनोलॉजी. एंड व्हाट डज इम्यूनोलॉजी मींस? इम्यूनोलॉजी, मोस्ट ऑफ यू आर नोइंग दैट लॉजी डिराइव फ्रॉम द वर्ड लॉगॉस, इजंट इट? लैटिन वर्ड दैट मीन्स स्टडी. ओके, इफ वी टॉक अबाउट इम्यूनोलॉजी, so immunology, if you have pen and paper, please write it down little bit so that it will be easier to understand to all of you. So when we talk about immunology, immunology made with two words, that is the immunis and logos. Immunis means exempt from, and logos means study. Exempt from means free of burden. ठीक है, यानी इम्यूनिस जो है स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. हम कोई भी चीज बर्डन जो है ना, वो हमारा बॉडी कैसे उसे अपने आप को गेट रिड ऑफ करता है किसी भी बर्डन से. और ये बर्डन किस तरह का पैथोजन, किस तरह के बर्डन होंगे? पैथोजेंस के बर्डन हो सकते हैं, इंजरी के बर्डन हो सकते हैं, है ना. जब हमें काफी तकलीफ होती है, जब हमें कहीं पे कांटे चुभ गए, हमें दर्द होता है, दर्द होने के बाद धीरे धीरे स्लोली स्लोली आवर जो हमारा सिस्टम है, जो बॉडी है, इट रिकवर्स, इजंट इट? होता है ना, हम बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद आवर बॉडी गेट रिकवर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज. सो बेसिकली इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज इम्यूनिस एंड लॉगोस. Immunis means exempt from or get rid of or free of burden, and logos means study. Clear? So see, मेरी बातें सब तक समझ में आ रही है या फिर नहीं? Yes sir. Very good. Yes sir. So हम लोग जो इस subject के बारे में जानेंगे, जी इतना इंटरेस्टिंग है, यू विल कम टू नो दैट डे टू डे इन आवर डे टू डे लाइफ, जो हमारी जो दैनिक जितना भी हम काम करते हैं, और हमारे बॉडी में बहुत सारे पैथोजन एंटर होते हैं, और किस तरीके से हमारा बॉडी फाइट करता है, कोप अप करता है. जैसे मशीन, अ बॉडी इज अ वेरी गुड मशीनरी. ओके, तो ये जो हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, ठीक इसी तरीके से फिश, तो हमारा जो बॉडी है ये कैसे गेट रिड ऑफ होता है पैथोजेन से, बर्डन से. मशीन यदि ज्यादा दिन तक चले, ठीक है, उस मशीन यदि, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइक चलाते होंगे, साइकिल तो चलाए ही होंगे, तो साइकिल के लिए आपको क्या करना होता है? टाइम टू टाइम आपको उसकी सर्विसिंग करनी होती है, इज़न्ट इट? क्लियर? सर्विसिंग करनी होती है, और उसका एक लाइफ स्पैन होता है जब वो अच्छे तरीके से चलता, और फिर एक लाइफ स्पैन होने के बाद वो क्या होता है, खराब हो जाती है. लेकिन सोचिए हमारा बॉडी कितना अच्छा मशीन है, इवन कि यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम अपने शरीर की करें तो ये कहां तक होता है? 60 to 70 years, isn't it? अभी तो यही है ना.
जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और अराउंड 65, ठीक है। तो ये अब इसको समझना है कि ये शरीर जो है हमारा इतना कैसे दुरुस्त रह सकता है। सो दिस इज अ बायोलॉजिकल इंटाइटी कंप्लीटली, इजंट इट? तो ये कंप्लीटली जो है बायोलॉजिकल एंटिटी है और इसमें हम कोई सर्विसिंग नहीं करते हैं। जो मन में आया वो खाए, जो मन में आया वो पी लिए, कभी गुपचुप खा लिए, कभी किसी के साथ बात कर लिए, लेकिन हमारा बॉडी कैसे कोप अप करता है इन सभी चीजों के साथ। अभी देखिए, अभी आपके पास बहुत सारे डायग्नोस्टिक किट, जो लास्ट टाइम जो कोविड आउटब्रेक हुआ तो सबसे पहला जो डायग्नोस्टिक किट था दैट इज द सेरा बेस्ड डायग्नोस्टिक किट, ठीक है। जो और वो कैसे होता, वो सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे एक कीट डेवलप हो सकता है, कैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीजेंस क्या होते हैं। तो इम्यून सिस्टम के बारे में जानना, यानी हाउ आवर बॉडी रिएक्ट्स विद अ पर्टिकुलर पैथोजन और एनी काइंड ऑफ बर्डन विच फॉल्स ऑन अस। लाइकवाइज इन केस ऑफ फेस, हाउ दीज फिशेस they can get recover of all the pathogenic burdens, clear? तो आप लोग बताओ, यही है, immunology is the study of our protection from foreign macromolecules or invading organisms and our response to them. Each and every organism, they want to live. Okay, some are like parasite. कुछ हमारे दोस्तों में भी कुछ सम पैरासाइट्स टाइप के होते, नहीं? यदि हमने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो जल्दी से व्हाट्सएप पे भेजो सो दैट आई कैन राइट इट डाउन, नहीं? और तुरंत कॉपी करके और फिर तुरंत भेजना भी है, होते हैं ना ऐसे दोस्त? या फिर तो हमारे दोस्त ऐसे, मतलब ये दिखते नहीं है, दे आर नॉट, दे सीम्स लाइक फ्रेंड्स बट इट इज देयर स्ट्रेटेजी टू इनवेड अस, नहीं? यदि हमसे वो फ्रेंडशिप नहीं करें हम, यदि तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे, कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से इम्यूनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे पैरासाइट हैं, बहुत सारे पैथोजेंस हैं, वो क्या करते हैं कि उनको एक होस्ट चाहिए, दे वॉन्ट टू लीव ऑन इट, ओके? At the same time, our body responds to them, responds against them to get rid of. ठीक है ना? जब ज्यादा friends परेशान करने लगे exam time में, यार मुझे थोड़ा बताओ, तो मुझे irritation होता है कि अरे यार रुको, पहले लिख लेते हैं इसके बाद बताते हैं। Likewise होता है ना? Am I right? Yes sir. हाँ। तो ये होता है क्या कि same condition, ये ऐसा नहीं है, this is not new. ये टाइम इमेमोरियल से चला आ रहा है और होता आता है, ठीक है। तो सपोज, तो इम्यूनोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं, ये क्या करता है, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स और एनी इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एजेंट। लाइक यदि हम अपने बॉडी में, यदि हम फूड ग्रेन्स भी लेते हैं तो हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट करता है ना, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो हमारा बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करता है एंड एक्सेस मटेरियल्स और जो एक्सक्रीटा होता है दैट इज बीइंग आउट फ्रॉम आवर बॉडी, जो उसमें से अच्छी चीजें हुई निकाल लिए और बाकी की चीज बाहर। तो इम्यूनोलॉजी जो है यही स्टडी है कि कोई भी फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं तो कैसे उसके अगेंस्ट वो एक्ट करते हैं, इसी में बोलता है। जैसे एग्जाम्पल में होस्ट यदि हम बोले, इन केस ऑफ एक्वाकल्चर, इफ वी टॉक अबाउट एक्वाकल्चर, इफ वी कॉल एनी एक्वेटिक स्पीसीज, दिस इज द होस्ट विल बी फिश, फिश और सेल्फ फिश और एनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इजंट इट? लाइक मी, क्लियर? तो होस्ट कौन हो गया? होस्ट, हम लोग होस्ट मतलब क्या समझते हो नीतीश, बताओ तो, होस्ट मतलब क्या समझते हो? देखो जब नहीं समझ में आया ना, इवन अ सिंगल टर्म यू कैन आस्क। होस्ट मतलब क्या होता है? मेजबान, नहीं? और गेस्ट मतलब क्या होता है? मेहमान, ये बोलते हैं ना हिंदी में हम लोग,
क्लियर? यस सर। तो होता क्या है, मेजबान कौन, मेजबानी कौन करता है, मेहमान की मेहनवाज मेजबानी की जाएगी। तो हम क्या है, मेजबान है। यदि कोई गेस्ट आए, और गेस्ट यहाँ पे कौन हो सकता है, कोई पैथोजेन हो सकता है, कोई इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, तो हम उसकी मेजबानी कैसे करेंगे, हाउ वी आवर बॉडी रिस्पॉन्ड देम। और ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। समवेयर सम मॉलिक्यूल्स दे आर कंट्रोलिंग बाय देयर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे होता, क्यों होता है। तो यहाँ पे होस्ट कौन हो गया, यहाँ पे फिश और सेलफिश यानी होस्ट हो गए, मेजबान कर मेजबान है। और किसकी मेजबानी करेंगे, तो किसी मेहमान की करेंगे। और मेहमान कौन हो सकता है, यहाँ पे पैथोजेंस हो सकते हैं, यहाँ पे कोई अदर जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर जो पैथोजेंस है उसके अगेंस्ट हाउ दे एक्ट, इट इज द इंटरप्ले बिटवीन देम। क्लियर? सो फॉरेन मॉलिक्यूल अब हो कौन से सकते हैं, ये कौन से हो सकते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल, मेहमान कौन हो सकते हैं। एक मेहमान तो जाना पहचाना हो सकता है। देखो बहुत अच्छा है, हम इस चीज को समझ सकते हैं। हम जब घर में रहते हैं तो एक मेहमान को तो हम जान रहे होते हैं, नहीं जान पहचान होती है। और कोई कोई ऐसे मेहमान होते हैं जिनको हम नहीं पहचानते हैं, लाइक अ डिलीवरी बॉय हो सकता है, लाइक अ मैसेंजर, लाइक अ न्यू कमर जिसको हम नहीं जानते हैं। मेरे मम्मी पापा जानते होंगे, लेकिन हम उसको जानना शुरू किए अपने मदर के इंट्रोडक्शन करने के बाद। क्लियर? क्लियर है, मजा आ रहा है थोड़ा? यस सर। तो यानी yes. उसी तरीके से हमारा जो बॉडी होगा इसमें बहुत सारे ऐसे पैथोजेन हमारे बॉडी में एंटर करते होंगे जिसको हमारा बॉडी या तो उसको आइडेंटिफाई वो कर चुका है, या फिर कोई नया गेस्ट है और वो एंटर किया, और टाइम ड्यूरेशन के साथ जब हम रिकवर कर गए तो फिर हम पहचान ले उसको। तो फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या हो सकते हैं, एंटीजेन, एंटी मतलब अगेंस्ट, और जेन, जेन मीन्स जेनरेशन, मतलब ये जेनरेशन जो अगेंस्ट जेनरेशन है जो इन्वेड करता है, ठीक है। तो एंटीजेन एनी फॉरेन मॉलिक्यूल्स, ये कुछ भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वॉर्म हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकते हैं। सो जो कुछ भी जो हमारे बॉडी के पार्ट नहीं है लेकिन ये बाहर से डिराइव होके पहुंचते हैं, जैसे जिसको हम लोग फैमिली मेंबर हैं, तो हमारे फैमिली मेंबर में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा ब्रदर है, हमारे सिबलिंग्स हैं। लाइकवाइज हमारे बॉडी को छोड़ करके कोई भी इंटर यदि किया हमारे बॉडी के अंदर, तो दैट इज अ एंटीजेन, दैट विल बी कॉल्ड एंटीजेन। अब क्लियर हो गया, एंटीजेन मतलब सिर्फ वायरस और पैरासाइट नहीं होता है, एंटीजेन मीन्स फॉरेन फॉरेन मॉलिक्यूल्स। क्लियर? व्हाई फॉरेन मैक्रो मॉलिक्यूल, बिकॉज कुछ फॉरेन मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि हमारा बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, लाइक डस्ट। अभी जो आप इनहेल कर रहे हो एयर में, ठीक है, यदि इसमें ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन यदि डस्ट की मात्रा ज्यादा हो जाए, यदि डस्ट हम ज्यादा इनहेल करते हैं तो छींकना शुरू कर देते हैं। एम आई राइट? यस सर। यस, इसीलिए यहां पे बोला गया कि फॉरेन मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स द मॉलिक्यूल शुड हैव अ एडिक्वेट मॉलिक्यूलर वेट सो दैट आवर बॉडी शुड रिस्पॉन्ड, सो दैट आवर बॉडी कैन आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पैथोजन। क्लियर? सो एनी मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल दैट इज आउटसाइड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। अब इसी में मैक्रोमोलिक्यूल, चाहे मैक्रोमोलिक्यूल भी हो सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल भी हो सकते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल के अगेंस्ट हो सकता है हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करे, बट दैट इज ऑल्सो एंटीजन। लो एंटीजन हो सकता है, लो मोलिकुलर वेट एंटीजन हो सकता है, हाई मोलिकुलर वेट एंटीजन हो सकता है, लेकिन हमारे बॉडी के अपार्ट यदि कुछ भी जो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, जो हम हमारे अंदर जाता है थ्रू इनहेलेशन, थ्रू इंजेशन और वट एवर द मोड इट मे बी, इट मे बी कॉल्ड एज एंटीजेन। अब क्लियर है ना कि एंटीजेन मतलब सिर्फ वायरस, पैरासाइट या बैक्टीरिया नहीं होता है। एंटीजेन मीन्स एनीथिंग आउटसाइड
फ्रॉम आवर बॉडी. क्लियर? चलिए सर, वो मैक्रो ही होंगे, माइक्रो नहीं हो सकते हैं. आई मीन वायरस तो बहुत छोटा. एंटीजन फॉरेन माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल. यस यस. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू दैट एंटीजन मे बी माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल, बट आवर बॉडी गेट रिस्पॉन्ड अगेंस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स ओनली. हमारे घर में बहुत सारे ऐसे हो सकता है, कभी कभी चोर देखे हो, चोर चोर भी तो हमारा मेहमान ही होता है ना. समटाइम दे इन्वेड और वो गायब हो जाते हैं, तो हम उनको पहचान नहीं पाते, देखते नहीं. तो इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब वो हो सकता है उसका साइज इतना छोटा होता है कि हमारा बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. है तो वो एंटीजन ही है, वो एंटीजन ही. तो इस तरह के जो लो मोलिकुलर वेट के जो एंटीजन होते हैं उसको जनरली हम लोग हेप्टेन बोलते हैं. तो ये जो होते हैं वो भी एंटीजन ही है, बट आवर बॉडी डज नॉट आइडेंटिफाई, आवर बॉडी डज नॉट गेट रिस्पॉन्ड अगेंस्ट देम, बट दे ऑल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटीजन. सो वाइल जब हम एंटीजन, तो इसीलिए हम जब हम क्यों यहाँ पे फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल को एंटीजन बोले, हम लोग आएंगे. अभी हमने बोला हेप्टेन, HAPTEN, राइट डाउन इट. सो फॉरेन माइक्रोमोलिक्यूल्स और लोअर मोलिकुलर वेट एंटीजन आर कॉल्ड हेप्टेन्स. क्लियर? तो इसके लिए अलग नाम ही दिया गया हेप्टेन. हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट, तो ये एंटीजन जब है, ये भी एंटीजन और मैक्रोमोलेक्यूल भी एंटीजन है. कोई भी आउटसाइड जो हमारे बॉडी के होगा अगेंस्ट, वो एंटीजन है. क्लियर? लेकिन जब हम एंटीजन की प्रॉपर डिफाइंड टर्म की बात करते हैं, दैट शुड हैव अ पर्टिकुलर मोलेकुलर वेट विच कैन अगेंस्ट देम Our body can get respond. ठीक है? तो अभी सिर्फ हमको इतना ही जानना है कि antigen are any foreign molecule, either it may be macro or micro. Okay. Outside from our body is antigen. Clear? See, you just try to understand first. हम लोग थोड़ा ह्यूमन के बारे में जब डिस्कशन करते हैं ना, तो इंटरेस्ट बढ़ता है कि कैसे फिश के अंदर में भी क्या इम्यूनो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं या नहीं होते हैं. ठीक है? तो जस्ट हम ये बताया है, देखो यहाँ पे बहुत सारे जो हमारा बेसिकली हम लोग इम्यून सिस्टम से क्या समझते हैं, सिर्फ हमको पता चलता होगा कि खून. क्या क्या समझते हो, कोई रिस्पॉन्ड करो इस पर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आवर इम्यून सिस्टम? तुमको क्या लगता है, तुम क्या समझते हो इम्यून सिस्टम के बारे में? फर्स्ट कोई बताओ, कोई भी, एनीवन प्लीज. हेलो. इनिशियली आई टोल्ड यू दैट आवर क्लासेस शुड बी इन अ डायलॉग फॉर्म रेदर देन इट शुड बी अ मोनोलॉगस, है ना? सर, लिम्फैटिक सिस्टम होता है. लिम्फैटिक सिस्टम मतलब क्या होता है? हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है? सर, इम्यून सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स होता है वो सब को लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं. तो उससे जो भी रिलेटेड उसका पूरा प्रोसेस होगा, मतलब कि वो रिस्पॉन्स कैसे करता है, वो सब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आएगा. ओके. और कोई? इसमें फैगोसाइटोसिस होते हैं, जो बाहर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म आते हैं वो खाने का काम करते हैं. लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं. आपको पता है आपके बॉडी में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां पे डिफेंस मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है या एब्सेंस है? डू यू नो दैट? सी, हमारे बॉडी में एक होता है फिक्स्ड डिफेंस सिस्टम और एक होता है मोबाइल डिफेंस सिस्टम. क्या होता है? फिक्स्ड. जैसे यदि हमारे कॉलेज के गेट पे कोई गार्ड है, वो फिक्स है ना, फिक्स प्लेसेस पे आप देखते होंगे, है राइट? और एक होता है मोबाइल सिस्टम. मोबाइल सिस्टम मींस वो थ्रू आउट कैंपस में राउंड कर रहा है, वो चेक करेगा कि हमारे जो सारे इम्यून जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो फिक्स्ड गार्ड है, दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट.
लाइकवाइज हमारे जो बॉडी है, चाहे वो हमारा स्किन है, स्किन इज अ प्रोटेक्टिव बैरियर होता है ना, कभी चोट लग जाए तो स्किन पे लगती है। यदि चमड़ा, यदि हमारे शरीर से हमको डीस्किन्ड कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, चांसेस ऑफ इंफेक्शन विल बी मोर, है पहला। दूसरा क्या होगा, जो इंजरी जो हो जाती है कभी, तो उसको रिकवर करने में जो टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम लगेगा। मॉस्किटो जब भी बैठते हैं तो क्या करते हैं, वो आपके बॉडी पे बैठते हैं और फिर ब्लड ड्रेन करते हैं, तो उनको थोड़ा कम इफर्ट लगाना पड़ेगा ना। पैरासाइट्स, वर्म्स, क्लियर। तो होता क्या है कि हमारे जितने भी बॉडी हैं सब हर जगह, वो एक फिक्स्ड सिस्टम है, एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम है। तो फिक्स सिस्टम में जैसे हम लोग स्किन को बोल लेते हैं, क्लियर। ये जो स्किन है हमारे ऊपर में, ये प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है हमेशा। देन इसी स्किन सेल्स में, जो अभी तक वेटिंग रूम तक चल ही रहा है क्या भैया, हो रहा है इतने लेट से, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारा जो बॉडी होता है उसमें भी बहुत सारे फेगोसाइटिक सेल्स भी होते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि हमारा जो स्किन होता है वो नॉन वास्कुलर होता है अपर लेयर में, जो अपर लेयर होता है जस्ट उसके नीचे। क्यों, क्योंकि नॉन वास्कुलर क्यों होता है, अपर लेयर ये हार्ड होता है, यदि सपोज थोड़ा खरोंच लग गया तो ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन यदि थोड़ा हल्का डीप पेनिट्रेट होगा स्किन में तो तुम देखोगे कि थोड़ा सा पिन टाइप का ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो स्किन के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, आप एनाटॉमी पढ़ लियो ना आप लोग, यस सर, एनाटॉमी आप लोग पढ़े, तो स्किन एनाटॉमी में आप लोग जब, हम लोग डर्मल जब सेक्शन जाओगे तो वहां पे क्या होता है, जो अपर लेयर होता है वो क्यूटिकल होते हैं, फिर स्पॉन्जियोसम और स्ट्रेटम, स्पॉन्जियोसम, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, देन डर्मल लेयर। तो ठीक इसी तरीके से क्या होता है कि जो अपर लेयर होता है वो रफ होता है, खुरदरा होता है, वो प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस रिलीजिंग होता है। जैसे गर्मियों के टाइम में हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो है वो स्वेटिंग ग्लैंड्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं एक्टिवेट, गर्मियों के दिन में तुम्हारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वाई सो, कोई बताएगा, ठंडियों में क्यों नहीं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेरी गुड, टेम्परेचर। We are endothermic animals. Endothermic means where temperature regulation occurs. Clear? तो होता क्या है, जब गर्मी के टाइम में जब टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, 45 या 37 से जैसे बियॉन्ड जाना शुरू हो जाएगा, हमारे शरीर से स्वेटिंग ग्लैंड वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सो दैट कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी को काम रखे, ठंडा रखे, ठीक है, और जो 37 का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको मेंटेन बनाए रखे, क्लियर। और ठंडियों में तो हम कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन गर्मी के लिए हमारे पास क्या है, एसी अब आ गया है, पहले जब एसी नहीं था तो स्वेटिंग ग्लैंड्स एक्टिवेट होते थे। पहले जब ठंडियों में लोग कपड़े नहीं बनाना जानते थे तो क्या करते होंगे, आपको क्या लगता है क्या करते होंगे, वो आग जलाते होंगे, और क्या करते होंगे, बहुत ज्यादा होगा, जब आग का भी आविष्कार नहीं हुआ होगा तब क्या करते होंगे सर, एक्सरसाइज करते होंगे सर। जैसे चींटियां क्या करती हैं, बरसात शुरू होने से पहले अपने भोजन को इकट्ठा करना शुरू कर देती है, हैं? हो सकता है कि उस समय जो एनिमल्स, जैसे भालू भी जो होता है, ठंडी आने से पहले वो क्या करते हैं, अपनी शहद को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, ताकि ठंड तक में वो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट कर सके, अपने एनर्जी को, जो एनर्जी होती है वो कंजम्पशन कम हो, और फूड को कलेक्ट करके रखते हैं कि मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में उनको कंज्यूम कर सके, क्लियर। तो इसीलिए जो एस्किमोज हैं, एस्किमोज जो आप लोग देखते होंगे, दे आर वेरी थिक, जो आईसी एरिया के लोग होते हैं बहुत थिक होते हैं, उनमें फैट जो होता है ना, फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मोटे होते हैं वो, ठीक है। चलिए हम लोग का इतना पे ही टाइम शॉर्ट होने लगे, चलिए फिर भी, तो जनरली बेसिकली हम लोग यदि बात करें डिफेंस सिस्टम की, तो डिफेंस सिस्टम में क्या होता है
कि ये मोबाइल डिफेंस सिस्टम होता है, तो बॉडी का चाहे हर कोई पार्ट हो, आपको यदि तकलीफ होती है, कोई यदि कोई डांट दिया जोर से, तो क्या होता है, आंख से आंसू निकलता है, नहीं? यस सर। क्यों? डांटने के बाद आंख से आंसू क्यों निकलता है? बिकॉज इट गिव्स यू मेंटल रिलैक्स। जब आप मेंटली स्ट्रेस सिचुएशन में पहुंच जाते हो तो आपके आंख से आंसू जाती है, ठीक है, और आंसू जाने के बाद आप हल्का फील करते हो। चलो, यदि आंख में डस्ट चला गया, यदि कोई बाइक तेज से चलाते हैं तो भी आंख से आंसू जाता है। यानी ईच एंड एवरी केस योर बॉडी इज सो सेंसिटिव दैट दे कैन रिस्पॉन्ड इवन नॉट ओनली द फिजिकल और केमिकल ऑर्गेनिज्म, इंस्टीड दे कैन रिस्पॉन्ड इमोशनली एज वेल। क्लियर? यदि किसी को कोई चींटी काट ले और बोले कि सांप काट गया, तो वो सदमे से ही मर जाएगा, नहीं? तो हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग ह्यूमन की चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ऊपर लेवल की बात है। ये सब भी है कि कैसे हमारे जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कभी भी हमारा जो टिश्यू इंजरी हुआ तो वहां पे कैसे एक्ट करता है। जैसे सपोज कोई टिश्यू इंजरी हो गई तो केमिकल मीडिएटर्स कैसे रिलीज होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे टाइम के साथ साथ। आज फिलहाल हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में है, हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फिश, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज आप लोग एंटीजन मतलब समझ गए, इम्यूनोलॉजी मतलब समझ गए, कैसे हमारा बॉडी, हालांकि इसके बारे में डिटेल्स में बाद में जाएंगे, आज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास है ये, जस्ट ये बताने के लिए कि यू आर एंटरिंग इनटू सेकेंड ईयर, नो? यस यस सर। तो यू आर बिकम, तो तुम लोग तो सीनियर हो गए, तब तो मिठाई खिला। यस सर। तो अब आप लोग सीनियर हो गए हो, और सीनियर हो गए हो तो, और ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इन बिटवीन आई विल प्रोवाइड द नोट्स, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट ओवरऑल, आप लोग हमसे पूछ सकते हो। हम लोग को सिर्फ इसके बारे में नहीं जानना है। यू सी द इम्यूनोलॉजी वी आर गोइंग टू कवर इज, इट्स अ वेरी वास्ट। क्यों? क्योंकि हमको बेसिकली एक इम्यूनोलॉजी तो जानना ही है, जो हमारा बॉडी एक्ट कैसे करता है या क्या करता होगा। सिमिलरली जो फिशेस में है, दे आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम, बट समवेयर इट विल बी डिफर, क्योंकि आदमी को बुखार होता है, मछलियां बुखार होता है, मछलियां को बुखार होता है, नहीं होता है? यस सर। Yes. होता है सर। Yes, sir, होता है सर। चलो, मैं आज का टॉपिक यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका आंसर आज नहीं देंगे हम, तो आप लोग के पास 1 वीक का टाइम है। मछलियों को बुखार होता है कि नहीं, इंसेक्ट को बुखार होता है कि नहीं, इंसेक्ट के खून लाल क्यों नहीं होते हैं, तो आपको इंसेक्ट लेवल तक पढ़ना है। आपको मैं बता दे रहा हूँ इंसेक्ट के इम्यून सिस्टम के बारे में, फिश के इम्यून सिस्टम के बारे में, और एज वेल एज थोड़ा बहुत आपको हमारे बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लोग एक दूसरे के साथ कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे। नहीं, तभी यदि चाहोगे तो कोविड में आप भी जा सकते हो डायग्नोसिस करने के लिए, क्लियर? नहीं तो बोलेगा फिश का डॉक्टर है एंड ही इज नॉट एलिजिबल। तो हम लोग सर, हाँ सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैथोजेन एंड एंटीजन? Yes. Antigen means any foreign molecule. Pathogens means disease causative organism. They will cause disease anyhow. ठीक है सर, तो वो भी तो इंटर करता है ना हमारे बॉडी में, जैसे वायरस जो हो गया तो वो तो पैथोजेन भी हुआ ना सर? बिल्कुल, तो वो पैथोजेन है और वो एंटीजेन भी है सर। उसका जो उसको जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो रिलीज करेगा, दैट इज एंटीजन। No, you see, whatever foreign molecule is there, foreign molecule antigen. When we are telling about pathogen,
इट मीन्स दे आर कंप्लीट बायोलॉजिकल एंटिटी विच कैन काउज डिजीज. डस्ट पार्टिकल एंटीजन है बट दे आर नॉट पैथोजेंस. वायरस कंप्लीट बायोलॉजिकल एंटिटी है और वो डिजीज काउज कर सकता है. नॉट दैट डिफरेंस सर. तो उसको हाँ बोलो बोलो सर. मतलब हाँ सर, उसको तो वायरस को हम लोग एंटीजन और पैथोजन दोनों बोल सकते हैं ना. वायरस को यस यस. वायरस इज एन एंटीजन एज वेल एज पैथोजन. बट डस्ट इज नॉट अ पैथोजन बट एन एंटीजन. चलो ठीक है, अभी मैं यहीं छोड़ता हूँ. आप लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, ब्रेन एक्सरसाइज. मछलियों को क्या हो सकता है हमारे कंपैरिजन में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द फिशेस एंड द इंसेक्ट? इंसेक्ट के बारे में क्यों पढ़ना है? क्योंकि यू हैव टू नो द क्रैब इम्यूनोलॉजी. आप लोग क्रैब कल्चर करोगे ना, श्रिम्प कल्चर करोगे ना, एंड दे कम्स अंडर द फैमिली डेकापोडा. ठीक है, सब फैमिली क्या है उनकी? इंसेक्टा है. ठीक है, ऑर्डर डेकापोडा. तो सो व्हाई वी हैव टू नो अबाउट द इंसेक्ट एज वेल. ओके, फॉर टुडे दिस इज आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द इम्यूनोलॉजी, बेसिक इम्यूनोलॉजी. सो विथ टाइम फ्रेम वी विल गो अहेड. ओके, सो एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? नो सर. चलो, कैसा लगा क्लास? या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो मुझे पर्सनल मैसेज करो. हाँ ठीक है, यहाँ पे बोलने से डर लगता होगा ना, सर बुरा मान जाएंगे. दिस इज नॉट लाइक, मतलब कि बुरा मान जाने वाली ऐसी कुछ बात नहीं है. इफ यू डू नॉट लाइक समथिंग यू जस्ट रिस्पॉन्ड मी सो दैट आई कैन इम्प्रूव समवेयर. क्लियर? ठीक है. यस सर. ओके थैंक यू सर. थैंक यू सर. वेलकम. Thank you, sir. Welcome.